सर्वे अंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। देखो वेद ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है और कितना उत्तम उपदेश दिया है, सर्वे भवंतु सुखिना, कि सब सुखी हों। और दूसरी लाइन में आयुर्वेद के प्रति कितना उत्कार प्रकट किया है, सर्वे संतु निरामया। निरामया, हमारे अंदर आम की उत्पत्ति ना हो, हम जो कुछ भी खाते हैं वो आम ना बने परंतु पूर्ण रूप से पक् हो जाए, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग हो। देखो जो असीम आशीर्वाद देने की प्रक्रिया में भी उन्होंने आम का ही उपयोग किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे संतु निरामया। अब ये आम क्या है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हमारे एंजाइम्स ठीक नहीं हैं, हम प्रॉपर ढंग से अगर उसको पचा नहीं सकते तो उसको कच्चा रह जाता है और ये कच्चा रूप ही आम कहलाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में होने वाली व्याधियाँ, 90% बीमारियाँ आम के कारण ही जनित होती है, आम के कारण और दूसरा ओज़ के कारण। ओज़ की कमी हो जाए, शक्ति की कमी हो जाए, हमारी शक्तिहीनता हो जाए तो वो हमारे बीमारियों का कारण बनता है। तो हमारे को आम के लिए इतनी उपयोगिता, इतना कुछ दिया हुआ है कि आप जब भी अपना शरीर का ध्यान रखो सबसे पहले आम का ध्यान रखो। अगर आपने आम का ध्यान रखा तो हजारों तरह की बीमारियां आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। अब ये आम के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने डाइजेशन को पूरा इम्प्रूव करना चाहिए। और इसी आम से होने वाली एक व्याधि है जिसको हम बोलते हैं एनल फिशर्स, गुदचीर। हमारे जिस टाइम हम टॉयलेट जाते हैं, पखाना जाते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है, वहाँ पर जख्म हो जाते हैं और कई बार उनसे खून रिसने लग जाता है। ये बीमारी का मेन कारण हमारे शरीर में आम की उत्पत्ति और पित्त की उत्पत्ति। पित्त बढ़ने से भी हमारे अंदर बहुत असीम गर्मी हो जाती है जिससे हमारे शरीर के अंदर आंतों में और विशेषकर गुद एरिया में जख्म हो जाते हैं। और इसको ठीक करने का उपाय बहुत सरल है कि आप अपने अंदर आम की उत्पत्ति को रोको। और आम की उत्पत्ति को रोकने के लिए हमारे पास हरड़ से उत्तम कुछ भी नहीं है। वैसे तो बहुत जितने भी हम मसाले इस्तेमाल करते हैं अगर वो नियमित ढंग से लिए जाएं तो वो आम के ऊपर ही कार्य करते हैं, परंतु अगर उनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो आपके अंदर आम की उत्पत्ति करने के साथ साथ थोड़ा सा पित्त को भी बढ़ा देते हैं। तो हमारे को दो ही चीज़ों पे ध्यान देखना है, अपने आम की उत्पत्ति को रोकें और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण चीज़ों लेने से रोकें। तीक्ष्ण चीज़ें जैसे मिर्च, खटाई, तली चीज़, जंक फूड, ये सब चीज़ें मिलके हमारे अंदर पित्त को विकृत कर देते हैं और उस पित्त वृद्धि कारण हमारे अंदर शरीर में अंदर जख्म होने शुरू हो जाते हैं, विशेषकर गुद एरिया में। तो एक तो आपको इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, दूसरा एक दो ऐसी औषधियां हैं जो इस पर विशेषकर लाभदायक होती हैं, जैसे एक नागदौन नाम का है, जड़ी बूटी है, इसके अगर हम 2-3 पत्ते रोज के चबा लें तो उससे भी गुदचीर बहुत ठीक हो सकता है। और इसके अलावा कुकर छिद्दी नाम से एक औषध आती है, एक द्रव्य आता है, एक जड़ी बूटी है जिसका सेवन मात्र से ही हमारे ये ठीक हो जाता है। और इसके अलावा आयुर्वेद ने कितना सरल उपाय बताया कि आप नहाने से पहले दिन में 1 या 2 बार सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल अपनी नाभि पे और गुद एरिया में लगा दीजिए। इसके करने मात्र से ही आपका गुदचीर एनल फिशर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस एनल फिशर को शुरू शुरू में ही ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आगे बढ़ के यही आपका एनल फिशुला के रूप में आ जाता है और फिर बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। तो इसको
प्राथमिक अवस्था में जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपको बहुत दर्द होता है टॉयलेट जाते हुए और कभी खून आ रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से इसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। आंवले का प्रयोग भी बहुत अच्छा है, त्रिफले का प्रयोग भी कर सकते हैं, हरड़ का प्रयोग तो होता ही है। इसके अलावा हमारे एक योग में मूलबंध, जो कि इसमें बहुत उपयोगी होता है, बार बार मूलबंध लगाने से इस वहाँ पर एनल एरिया में आपके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत तेज हो जाती है, प्राण शक्ति बहुत जाती है, जिससे जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। इसके अलावा अक्षय योग भी इसमें बहुत गुणकारी होता है और इस रोग को फिर दोबारा पनपने भी नहीं देता। अक्षय योग करने से एक तो आपका आम का विनाश होता है, ओज की वृद्धि होती है और पित्त अपने नियमित रूप में आ जाता है। आइए हम इन छोटे छोटे उपायों से अपने शरीर के अंदर इस बीमारियों को जड़ से नाश करने का कष्ट। ओम शांति शांति।